गाइस, आपने अभी देखा ही होगा कि यहाँ पे दबो महसूस हो रहे हैं। और अभी तक मैं सुबह के सारे काम कर रही थी, जिसमें कि डिशेस लगाना, और सबसे पहले मैंने अपना मॉर्निंग से शुरू किया। आज मैं जिम नहीं गई थी तो मैंने अपने योगा से शुरू, मुझे लगा कि चलो यार आज थोड़ा सा योगा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, तो मैंने अपनी बालकनी में एक मैट बिछाया और फिर आराम से वहाँ पर बैठ के थोड़ा सा ऐसे योगा और स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मिस नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी तो मिस हो ही जाता है यार, है ना। वेदर भी चेंज हो रहा है जैसे कि, और अभी मेरी हाउस हेल्पर आ गई हुई है घर पे और बस वो अपना काम कर रही थी। तो जब हम काम कर रहे होते हैं, मैं डस्टिंग कर रही होती हूँ और क्लीनिंग वगैरह के सारे काम रहते हैं, तो तब डब्बू मैक्शू क्या करते हैं कि अपना सो जाते हैं। और वैसे अभी मैं शॉवर लेने की तैयारी कर रही थी क्योंकि आज मेरा फास्ट है, और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज मैं एक कुर्ती पहन लेती हूँ क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। तो मैं फुल टाइम ना नाइट वेयर में ही रहती हूँ घर में। पहले तो मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में रहती थी विंटर्स में, समर्स में सॉरी, और अब मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट्स में ना ठंड लगती है, तो कभी कभी तो ना फ़ैन भी वन नंबर पे चलता है दिन को, क्योंकि अब ज़रूरत फील नहीं होती। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं एक लॉन्ग कुर्ती वेयर कर लेती हूँ, और साथ में अभी बाथ लेके मैंने पूजा वगैरह भी करनी है क्योंकि घर के ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो चुके हैं। डिशेस मैंने अपने बर्तन जो थे डिशवॉशर में लगा दिए थे और थोड़े से क्लीन नहीं हुए थे उसमें, बिकॉज मेरा शाइनर अभी आया नहीं है, और जब शाइनर ख़त्म हो जाता है तो डिशेस थोड़ी सी गंदी रह जाती हैं। तो मैं आप सबको ना किसी दिन अपने डिशवॉशर का रिव्यू भी दूंगी। और बस गाइज, अभी मैं शॉवर लेके वापस आ गई थी और मैं आज आराम आराम से सारे काम कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे को ना लो सा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं वैसे मोटिवेट करने की कोशिश करती रहती हूँ वीडियो के थ्रू कि हाँ मेरे वीडियो देख के हर कोई मोटिवेट ही हो, क्योंकि मोटिवेशन वीडियोस मैं सुबह मॉर्निंग जिम से डालती हूँ, तो वो भी एक मोटिवेशन ही होती है कि क्योंकि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, मूड बनाना पड़ता है जिमिंग करना। और पहले तो मेरे को हैबिट नहीं थी, पहले मैं योगा स्ट्रेचिंग ही करती थी। अब जिम जाके जैसे मैं जिम करती हूँ तो कभी कभी मूड नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि नहीं यार अपनी हेल्थ के लिए तो करना ही है ना। तो बस आज मैंने हेड बाथ भी लिया था और मैंने ना एक पैक लगाया था बालों में जो कि मैंने होममेड बनाया था। मैंने बॉयल्ड राइस, बनाना और एलोवेरा जेल को मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स किया पानी डाल के, देन उसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन गया था, मैंने अपने बालों पे अप्लाई कर लिया था। तो गाइज़, मेरा शॉवर डन हो चुका है, मैंने बाथ ले ली है और अभी मेरे हेयर वेट हैं, बट क्या है कि मैंने बस अभी जस्ट ये लॉन्ग कुर्ती वेयर करी है। आज मेरा फास्ट भी है और अभी अभी बस जस्ट अब मैं पूजा करूँगी मॉर्निंग की। ऑलमोस्ट मेरे काम हो चुके हैं बट अभी कुछ रहते हैं। सो, ये कुर्ती मेरे को बहुत पसंद है। इस कलर की मेरे पास दो कुर्तियाँ हैं, एक मैंने वॉश कर दी है, उस पर एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है, और इसके साथ आपको सलवार प्लाजो कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये वन पीस है तो ये एंकल लेंथ तक इस आती है ना। और इसमें डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी पड़ी है। इसमें ना आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, साइकिल बनी हुई है। तो मुझे ना इस तरह के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बहुत पसंद है। आपने देखा होगा मेरे को जैसे जिस एक मेरी कुर्ती है उसमें आउल्स बने हुए हैं और इसमें साइकिल, अलग अलग, मतलब मुझे इस तरह के प्रिंट बहुत पसंद है। और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, घर में अभी के वेदर में पहनने के लिए सबसे बेस्ट है। वैसे तो मैं नाइट सूट में ही रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मेरे को ऐसे कुर्ती वगैरह वेयर करना भी अच्छा लगता है क्योंकि आज फास्ट है, तो मैंने कहा चलो पूजा करनी है तो कुर्ती वेयर कर लेती हूँ। और जो वो एम्ब्रॉयडरी वाली है ना, वो भी मेरी फेवरेट है, जिसके यहाँ पे पॉकेट है। तो चलो गाइज़, पहले पूजा पाठ करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइज़, अभी मेरा एक पार्सल आया था, तो इस तरह की लाइट्स आजकल बड़ी ज़्यादा दिख रही हैं। लाइक इसके नीचे कुछ वो नहीं है, मेरे को ये फ्लोटिंग लाइट्स उसमें वो दिखी थी कि आप ना पानी डालोगे तो पानी से ये जलती हैं। लाइक इसमें कोई बैटरी नहीं डलेगी, कुछ सेल्स नहीं डलेंगे, और इस तरह से कुछ सेंसर है इसके, पानी से सेंस करेगा वो और ये जल जाएंगी। तो मैं ना अभी आपके सामने ओपन कर रही हूँ और मैं देखती हूँ। कई बार होता है ना, दिल करता है कि आप पूरा दिन कैंडल्स जला के रखो, बट फिर कभी उसका ऑयल ख़त्म हो जाता है, कभी उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है ना। ट्राई करूँ मैं, चलो देखती हूँ पहले। तो गाइज़, मैंने पानी इसमें फिल कर दिया है, तो मैं फर्स्ट वाली डाल के देखती हूँ। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो प्रीटी,
यार ये तो बहुत अच्छी है। देखना आप, ये देखो तो ये 6 का ही सेट था यार। ऐसी वाली तो मैं और मंगाऊंगी। वाह, मतलब ऐसे रियल की लग रही है। ऐसे लग रहा है कि आपने जोत जलाई हुई है ना, वो घी वाली जोत आती है ना, वो लग रही है। ये बहुत नाइस है यार। मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, पानी डालना है बस, और जब आपको मन नहीं है इसको बंद करना है, रात को आप उठा के रख दो इस तरह से, है ना। बट अगर आप इसको ऐसे, अरे दूर से ही सेंस कर रहा है। अरे 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 अरे, पानी के पास जाते ही सेंस कर रहा है यार ये। अब देखती हूँ कितने टाइम चलती है यार ये। मैं तो और मंगाने वाली हूँ, क्योंकि दिवाली पे बड़ा झंझट रहता है यार गाइस, कि कौन तेल के दिए जलाना। ठीक है, पंचमुखी दिया जलाते हैं और भी थोड़े से जलाते हैं, बट आपको फिर वो कुछ टाइम के बाद तो बंद हो जाती है ना कैंडल्स। तो ये तो मैं करने ही वाली हूँ, अब लेने वाली हूँ। मैंने ये ट्राई करने के लिए छोटे पैक मंगाया था। टीवी के आगे ऐसे रख दिया है गाइस। और आप इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, लाइक आप अपने सेंटर टेबल पे भी इसको प्लेस कर सकते हो ऐसे करके, और साथ में इस तरह के छोटे बुद्धा जी इसमें डाल के रख सकते हो, है ना। और एक काम है गाइस, तो मैं और मंगाऊंगी क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी गाइस। अभी भी जल रही है, ओ माय गॉड, ये क्या। अच्छा पानी टच हुआ पड़ा है ना इसके साथ, पानी टच जब तक रहेगा तब तक ये ऐसे ही जलती रहेगी। तो गाइस बताना कमेंट सेक्शन में आपको किस कैसा लगा ये। और ये मैंने मीशो से मंगाई है गाइस, अगर आपको भी लेनी है तो आप फ्लोटिंग लाइट्स करके डाल के देखो, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और इसके ऊपर मैं जो ये रियल वाली कैंडल है ये जला देती हूँ, है ना। तो लुक बहुत अच्छा आ रहा है गाइस, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। हाँ मतलब एवरी टाइम आपके सामने ही जलती रहेंगी। तो गाइज़ मेरी पूजा हो गई थी और सारे काम हो गए थे घर के, बस मैं ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में लगी रहती हूँ घर में, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ। और मैं ना यहाँ पे स्मायरा को जब पिक करने निकली थी ना, उसके बाद स्मायरा को पिक किया और यहाँ पे नर्सरी पे आ गई थी। मेरे को ना एक दो प्लांट्स लेके जाने का मन कर रहा था। और यहाँ डोगू देखो कितना क्यूट सोया हुआ है ऐसे करके, है ना, आराम से यहाँ पे प्लांट्स की ठंडी ठंडी हवा खा रहा होएगा, नेचर के बीच में आके लेटा हुआ है। वैसे जो ये यहाँ पे गार्डनर थे उन्हीं का डॉग है, उन्होंने ही स्ट्रीट डॉग को पेट करा हुआ है, तो वो यहीं रहता है, हमने पूछा था। तो यहाँ पे बहुत सारे वाले प्लांट्स थे, तो मैंने ना एक दो प्लांट्स लेने थे। मुझे लेना था स्नेक प्लांट और एक और इंडोर प्लांट लेने थे, दोनों के दोनों, क्योंकि जिसकी ना मतलब केयर कम करनी पड़े यार गाइस। तो इन्हीं प्लांटर भैया के पास ना बहुत सारे पॉट्स थे और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के थे, छोटे से लेके बड़े बड़े, और मुझे बहुत सुंदर लग रहे। सारे सिरामिक पॉट्स थे और ना ज़्यादातर इनके पास वाइट कलर अवेलेबल था, वैसे कलरफुल भी बहुत सारे थे, बट मेरे को इंडोर रखना था। तो मैंने अपना इंडोर जो है, आप देख सकते हो कि मैंने अपने ड्राॅइंग रूम में जैसे वाइट कलर का थीम ज़्यादा दिया हुआ है, ग्रे एंड वाइट, तो मैंने ना वाइट कलर की सिरेमिक पॉट्स ले लिए थे। और इन्हीं से मैंने इन्हीं भैया को बोला कि अच्छी तरह से लगा दो, तो इनके पास ना इन्होंने बोला ठीक है। तो इन्होंने दोनों प्लांट्स को अच्छी तरह से लगा के और फिर मुझे बस गाड़ी में लेके जाने थे, तो मैंने गाड़ी बस मेन रोड में ही पार्क करी हुई थी। तो बस मैंने इनको ये डिक्की में डाल देंगे भैया, तो मैं अपने फिर घर ले जाऊंगी, तो वहाँ पे मैं अंदर रखूँगी इन प्लांट्स को। क्योंकि यार पता है क्या, मैं ना पहले हर्दी वाली पे ना बहुत सारे एंट्री में प्लांट्स लगाती थी, और फिर जब मैं हॉलीडेज़ पे कहीं जाती थी ना यहाँ तो से हिमाचल जाती थी, तो मेरे प्लांट्स पीछे से, वैसे ये तो केयर करते थे मेरे हबी, मतलब पानी वगैरह दे देते थे, लेकिन कई बार ज़्यादा पानी पड़ जाता था प्लांट्स में या कई बार कम, तो जिसकी वजह से ना प्लांट्स ख़राब हो जाते थे। उसके बाद मेरा मूड ही ऑफ हो गया और मैंने बहुत सारे गमले ना अपने हाउस हेल्पर को दे दिए, और वो बहुत बड़े बड़े वाले गमले थे। तो फिर अब उसके बाद ना मेरा न्यू लेने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, और वो सारे मिट्टी के गमले। तो बस मैंने अभी गाड़ी में रखवा ली है भैया से, और अब मैं ना कुछ कुछ ही लेती हूँ प्लांट्स। जैसे मेरे पास मनी प्लांट्स लगे हुए हैं, उनकी केयर कम करनी पड़ती है, अगर कहीं चले भी जाओ थोड़े दिन पानी ना भी दो तो वो निकाल लेते हैं टाइम, है ना। और साथ में मैंने मैंने और भी ले ली थी प्लांट्स के लिए, बट ऐसे ना अंदर मेरे को रखने का मन कर रहा था कि मैंने कहा चलो एक दो प्लांट्स और ऐड कर लेती हूँ। तो बस गाइस चलते हैं घर, अब बस कार स्टार्ट करी है और अब निकलते हैं घर की तरफ, फिर बाकी के काम घर जाके करते हैं। Thank you.
मैंने सोचा कि यार स्वीट पोटैटो खा लिए जाए, क्योंकि आजकल आपने देखा है शकरकंदी बहुत ज़्यादा आ रही है और मेरे को अच्छी लगती है स्वीट पोटैटोज, एमो के पापा को भी अच्छी लगती है। तो मैंने इसको बॉयल करा, माइक्रोवेव किया था, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी और इसको आप बॉयल करके भी बना सकते हो, बट मैं इसको माइक्रोवेव कर लेती होती हूँ। और माइक्रोवेव करने के बाद इसमें चाट मसाला, सॉल्ट, कोरिएंडर, थोड़ी सी ग्रीन चिली वगैरह डाल के, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके इसको इस तरह से खाती हूँ। और ये फुल ऑफ फाइबर है तो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, तो मैंने आज ये बनाई थी। और अभी लंच टाइम हो रहा था तो सैमू को पास्ता खाने का मन कर रहा था, वो स्कूल से आई थी, तो मैंने कहा चलो पास्ता भी बना लेते हैं सैमी के लिए, और सभी खा लेते हैं पास्ता। तो मैंने सोचा कि मैं वैसे मोस्टली ना रेड सॉस पास्ता बनाती हूँ, रेड सॉस पास्ता मैं इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि उसमें आप खूब सारी वेजीज डाल सकते हो, बट मैं ना वेजीज़ बहुत कम खाती है, तो मैं जैसे मोस्टली नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि अनियन टमाटो वगैरह डाल के और चिलीज़ विलीज़ डाल के बना लेती हूँ। बट अगर मेरे को जैसे कैप्सिकम वगैरह डालनी है या फिर मेरे को कभी स्पिनच पास्ता बनाना है, तो मैं जो स्पिनच पास्ता, जैसे स्पिनच की ग्रेवी बना ली ना, और आप पास्ता में ग्रेवी मिक्स कर दो तो वो इजीली सारा खा लेती है और उसको अच्छा लगता है स्पिनच पास्ता भी। तो मैं स्पिनच पास्ता वो डिफरेंट डिफरेंट वे से बनाती हूँ, अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, जो कि हेल्दी भी होता है। वैसे पास्ता तो मैदा से बनता है, लेकिन आप वेजीज़ वगैरह डाल के इसको और हेल्दी वे से बना सकते हो। तो बस अभी मैंने सोचा कि चलो पास्ता बना लेते हैं, शाम का डिनर के लिए तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो वो भी मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। Thank you.
कल जो मैं प्लांट्स लेके आई थी ना, टू, एक ये स्नेक प्लांट और एक ये वाला प्लांट, मुझे इसका नेम नहीं पता, बट मैंने इसको, मुझे इसके लीफ बड़े अच्छे लगते हैं तो मैंने इसको इंडोर ही रख लिया। तो मैंने ये आर्टिफिशियल वाला जो अपना प्लांट रखा हुआ है ना, उसके साथ ही मैंने ये रख दिए हैं और एंट्री में रखे हैं मैंने। और मैंने वाइट कलर के पॉट लिए हैं बिकॉज इनको क्लीन करना, ये सेरेमिक पॉट्स हैं। और इसके नीचे मैंने एक प्लेट रख दी है ताकि इंडोर रखे हुए हैं ना तो पानी वगैरह जब आप डालते हो तो वो इसमें गिरेगा, नीचे फ्लोर गंदा नहीं होगा। और एक स्टैंड रख दिया है। तो पहले मैं बहुत सारे प्लांट्स रखती थी यार गाइस, बट अब मैंने कम कर दिया है बिकॉज क्या है ना, केयर नहीं हो पाती बाहर। जैसे यहाँ पे मेरी बालकनी है ड्राइंग रूम के साथ, तो यहाँ पे मैंने वो कुछ प्लांट्स वहाँ पे रखे हैं और एक दो प्लांट्स इस तरफ रखे हुए हैं, है ना। तो बस इतने ही हैं। और कल वाली लाइट्स फुल नाइट ऐसे ऑन रही हैं, देखो इसको मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है सीरियसली। मैंने इसको सेंटर टेबल में, ये वुडन ट्रे है ना, इसके साथ ऊपर मैंने ऐसे रख दिया उस स्टैंड को। और पूरे घर की लाइट्स रात को ऑफ थी, सिर्फ माता रानी की लाइट ऑन होती है, तो उसके साथ ना ये वाली लाइट सारी रात ऑन रही। तो मैं सोच रही थी यार कितनी अच्छी है ना, सिर्फ बस पानी में, ना सेल डालने का खर्चा, ना कुछ फालतू में। डे में व्लॉग शूट कर रही हूँ अभी, तो ख़त्म करना है मेरे को, एंड करना है व्लॉग का। तो आज मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट में सुबह सूजी वगैरह का मिक्सचर डो ऐसे बना लिया था और आपे बना रही हूँ मैं ये। इसमें मैंने अनियन और कोरिएंडर, ग्रीन चिली वगैरह डाली है, मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं। साथ में मेरी चाय बन रही है, अदरक वाली चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पे गाइस। चलो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और अभी ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं कनेक्ट रहूँ आप लोगों से, तो मैं जो जो छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें, मैंने अभी भी बोला है कि मैं बहुत सारी चीज़ों का वीडियो नहीं बनाती, और बस आप लोग भी वैसे कनेक्ट रहना और प्यार देना, मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप लोग नए हैं अगर मेरे चैनल में, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो यार गाइस, क्योंकि मैं अपने एनालिटिक्स देखती हूँ ना, उसमें बहुत सारे अनसब्सक्राइब लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना। तो प्लीज़ 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 यार गाइस, मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट प्यारे से क्यूट से वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय 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 गाइस। But if I lay down and